छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों की। राजधानी रायपुर से इस वक्त खबर मिल रही है जहां कोरोना संकट के बीच ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है। छत्तीसगढ़ के वासी अब यात्री ऑटो टैक्सी से अपना सफर कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में एक जिले से दूसरे जिले में ऑटो और टैक्सी की मदद से यात्री सफर तय कर सकेंगे, साथ ही नियम पूर्वक ई पास लेकर भी लोग जा सकेंगे। कल से सप्ताह में 6 दिन बाजार खुलने की अनुमति दी जा रही है। आर्थिक गतिविधियां भी छत्तीसगढ़ में शुरू होंगी। शादी विवाह की अनुमति के लिए ये अधिकार तहसीलदारों को दिया है कि लोग शादी विवाह की अनुमति के लिए तहसीलदार के पास जाएं और उनसे ये अनुमति ले तहसीलदार से। इसके अलावा रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं स्कूलों की बात करें तो 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलेंगे। सभी स्कूलों को सुरक्षा के लिहाज से सैनिटाइज किया जाएगा और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर खास ख्याल रखा जाए, इसका पालन किया जाए, इसका इस बात के निर्देश दिए गए हैं। ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सारी औद्योगिक गतिविधियों को चालू करने के संदर्भ में भी विचार विमर्श किया गया। मॉल और ऐसे कॉम्पैक्ट बाजार जिसमें डिस्टेंसिंग का पालन शायद नहीं हो पाएगा और केंद्र के एडवाइजरी में जो अभी भी बंद है उसको तो बंद रखेंगे। कुछ गतिविधियां बंद है, धार्मिक आयोजन बंद है, राजनीतिक आयोजन बंद है, तो इस प्रकार से निर्णय लिए गए कि बाजार की बाकी गतिविधियां जो हैं शेष बाजार खुले रहेंगे। शादियों के एप्लीकेशन के संदर्भ में आज ही किसी चैनल में दिखाया जा रहा था कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, कलेक्टर उसको स्वीकृति देता है, तो 50 की संख्या को निर्धारित मानकर ये अधिकार तहसीलदारों को दे दिया गया ताकि शादियों के एप्लीकेशन देने में और सहमति और स्वीकृति लेने में किसी को कठिनाई ना हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव। अभिषेक, जरा बताइए, क्योंकि बीते 2-2.5 महीनों से छत्तीसगढ़ के वासी जो है लॉकडाउन की वजह से काफी परेशानियां भी उन्हें झेलने को मिली, लेकिन सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दी है, कल से क्या कुछ बदलने वाला है प्रदेश में? देखिए दीपक, आज मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ विभागों के साथ समीक्षा बैठक आज की थी। उस समीक्षा बैठक में मंथन हुआ, छत्तीसगढ़ के पूरे हालातों पर चिंतन हुआ और सोचा गया कि किस तरीके से व्यापार को भी चलाया जाए, लोगों को भी बचाया जाए, क्योंकि व्यापारियों का काफ़ी दबाव सरकार पर पड़ रहा था। इससे पहले सरकार ने ऑड इवन के आधार पर या अल्टरनेट दुकान खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन व्यापारियों का कहना था कि 2 दिन दुकान खोलने से महीने भर का उनका जो खर्च है नहीं निकल सकता। इन्हीं तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, हालांकि छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के पेशेंट ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन सरकार मांग के चल रही कि शायद इसके साथ अब लोगों को आगे बढ़ना होगा, जान के साथ जहान भी देखना होगा, आर्थिक गतिविधियां भी देखनी होंगी। इसलिए 6 दिन की पूरी छूट दे दी गई है, जो कि व्यापारियों की मांग थी। 6 दिन अब दुकान खुल सकेंगे छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर ऑड इवन या अल्टरनेट का कोई भी जो सिस्टम था वो खत्म किया गया है। व्यापारियों की मांग और आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए ये 6 दिन की छूट दी गई है। उसके अलावा ऑटो टैक्सी जो एक बड़ी समस्या इस वक्त बनी हुई थी उसको छूट दी गई है। ऑटो टैक्सी सोशल डिस्टेंस के साथ, मास्क के साथ और जो ज़रूरी गाइडलाइंस है उसके साथ शहरों में चल सकेंगे। इसके अलावा एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी जो ई पास है, ई पास की अनुमति लेकर, ई पास बनवा कर एक शहर से दूसरे शहर भी जा सकेंगे, एक ज़िले से दूसरे ज़िले जा सकेंगे। साथ ही सरकार ने कहा है कि गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन हो, अगर गाइडलाइन पालन करते नहीं देखा गया तो सख्त कार्रवाई भी यहाँ पर होगी। उसके अलावा स्कूलों को भी खोलने की बात कही गई है, 1 जुलाई से स्कूल खोलने की सरकार ने बात कही है। हालांकि इस पर भी सवाल उठे थे कि क्या स्कूल छोटे छोटे जो बच्चे जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का व्यवहारिक तौर पर पालन हो पाएगा, तो मंत्रियों का कहना था कि ये मौजूदा हालात को देखते हुए यहाँ पर निर्णय लिया गया है। अगर आने वाले समय में हालात सही नहीं रहे फिर से उसकी समीक्षा की जाएगी, तो ये इस फैसले को थोड़ा आगे पीछे भी किया जा सकता है। तो 1 जुलाई से स्कूल भी खुले जाएंगे गाइडलाइन के साथ। ये एक बड़ी छूट यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कहा जाएगा और हम कह सकते हैं कि इस कोरोना बीमारी के साथ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ने को तैयार है। आर्थिक गतिविधियाँ भी साथ में चलेंगी, साथ में जो कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं उसकी तरफ भी ध्यान यहाँ पर दिया जाएगा। लोगों को कह दिया गया है कि आप गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस, मास्क, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें और इसके साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी संचालित करें। तो थमा कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, जो रेड जोन और कंटेनमेंट जोन है
वहां पर बंद ही रहेगी, और इसके अलावा बात की जाए मॉल की, सिनेमा घरों की, ये जरूर यहाँ पर बंद रहेंगे, क्योंकि मान के चल रही सरकार यहाँ पर गाइडलाइन का पालन नहीं हो पाएगा, यहाँ भीड़ हो जाएगी, इसलिए इनको बंद रखा गया है। बाकी गतिविधियों में छूट यहाँ पर दी गई है। तो जल्दी छत्तीसगढ़ में जो कि कहा जाए पहले ही भीड़ दिखने लगी है, अब आने वाले वक्त में और यहाँ दिखेगी। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने अभिषेक, जल्द ही कुछ बदलाव आप देखने को मिलेंगे कल से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, लाइव जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो फिलहाल कुछ नए जो है नियमावली सरकार ने जारी किए हैं, और यही है कोशिश छत्तीसगढ़ में सरकार की भी और प्रदेशवासियों की भी कि जल्द ही इस कोरोना संकट से दूर जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं दूर होकर एक सामान्य जनजीवन वापस लौटे, और सरकार की इसी मंशा के साथ कोशिशें लगातार जारी हैं। कोरोना संकट के चलते छत्तीसगढ़ सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के इस साल मिलने वाले इंक्रीमेंट पर रोक लगा दी है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। इसके अलावा अधिकारियों की विदेश यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया गया। राज्य में चल रही पुरानी गैर जरूरी योजनाओं को बंद करने के आदेश भी जारी किए गए। नई योजनाओं में उन्हीं पर काम होगा जो जरूरी होंगी। प्रमोशन होने पर एरियर की राशि का भुगतान भी रोका गया। सरकार ने केंद्रीय बजट में मिली योजनाओं की राशि को भी विभागों से 15 जून तक राजस्व में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कोंडागांव में केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। धान खरीदी की मनमानी शर्तें थोपने का आरोप लगाया। वहीं भूपेश सरकार की न्याय योजना की जमकर तारीफ की। भूपेश बघेल के मुताबिक केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि 6,000 रुपये 3 किस्तों में जारी करती है, जबकि कोरोना महामारी के समय किसानों और मजदूरों को ज्यादा मदद की जरूरत है। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने जो कहा वो वादा पूरा किया। आज विपदा की घड़ी में पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। देश के साथ साथ प्रदेशों की वित्तीय स्थिति भी बहुत दयनीय हो गई। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में की सरकार जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 19 लाख से अधिक किसानों को 5,700 करोड़ रुपया देने का निर्णय लिया है। फर्स्ट किस्त के तौर पर 1,500 करोड़ रुपया जारी किया। इससे छत्तीसगढ़ के अन्नदाता, छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ में किसानों को बोनस देने पर अब सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस ने बोनस की राशि को लेकर मोदी सरकार को घेरा है और बीजेपी के समय से बकाया 2 साल के बोनस की राशि की मांग की है। साथ ही किसान सम्मान निधि की राशि को एकमुश्त देने की मांग भी की है। तो वहीं दूसरी तरफ सभी आरोपों को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा किसानों को बोनस देने का वादा हाथ में गंगाजल लेकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था। पूर्व सीएम रमन सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता झूठी कसम खाने के लिए जनता से माफी मांगे। उनके चुनाव के घोषणा पत्र को केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करने की बात, अरे आपने कहा है कि 2 साल का हम बोनस देंगे, 1 किस्त में पूरा पैसा हम देंगे, उसमें भी टुकड़ों टुकड़ों में कर रहे हो, और ये 2 साल का बोनस तो आपने अपने जन घोषणा पत्र में प्रमुख बिंदु बनाया था कि सरकार बनते ही हम 2 साल का बोनस देंगे। 2 साल का बोनस के लिए अब पीछे का रास्ता देख रहे हैं। एक बार जनता के सामने हाथ जोड़ के कसम खा लें और गंगा जल को वापस उल्टा रख लें हाथ में और बोले हैं कि भाई हमने गंगा जल की कसम झूठी खाई थी, अब हम इस कसम को उतारते हैं, हम वो 2 साल का बोनस नहीं देंगे, इतना बोल दें बस पर्याप्त हो जाएगा सबके लिए। भाजपा ने 2 साल बोनस का भुगतान नहीं किया, क्या इसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है? हमने वादा किया था बोनस देंगे। हम मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि वो 2 साल का बोनस भेजिए तो हम यहाँ भुगतान करें, हमको तो देना है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश सरकार से 10 सवाल पूछे हैं। सभी 10 सवाल कोरोना संक्रमण को लेकर है। बीजेपी ने इन 10 सवालों के जरिए सरकार पर हमला बोला है और ये बताने की कोशिश की है कि सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। क्वारंटीन सेंटर्स में ना व्यवस्थाएं हैं, ना ही सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही है। बीजेपी ने जो 10 सवाल पूछे हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वारंटीन व्यक्ति पास बनाकर पश्चिम बंगाल जाकर आया, कोई से क्यों नहीं रोक लगाया जा रहा? प्रदेश के सब्जी बाजारों, शराब दुकानों पर सामाजिक दूरी का पालन क्यों नहीं किया जा रहा?
क्वारंटीन सेंटर से लोग आखिर भाग क्यों रहे हैं? क्वारंटीन सेंटर्स को संचालित कर रही पंचायतों को पैसों का आवंटन क्यों नहीं हुआ? रैपिड टेस्ट के माध्यम से मजदूरों को तुरंत जांच क्यों नहीं उपलब्ध हुई? क्वारंटीन व्यक्ति पास बनाकर पश्चिम बंगाल जाकर आया, कोई रोक क्यों नहीं सका? इस तरह से 10 सवाल जो हैं बीजेपी ने पूछे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश की। बिलासपुर में कोरोना के मरीजों में बढ़ोतरी को देखते हुए पूरे जिले को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए आईजी ने पुलिस को सख्ती से निर्देश का पालन कराने के दिए हैं निर्देश। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने और FIR दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। बिलासपुर को रेड जोन घोषित करने के बाद आईजी दीपांशु काबरा ने सख्त निर्देश दिया है कि जो बेवजह बाहर घूम रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सीधा FIR दर्ज किया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस चौक पे जो तमाम अधिकारी हैं और जो SPO बनाए गए हैं पुलिस द्वारा, उनकी तैनाती की गई है और प्रत्येक व्यक्ति को सलाह दी जा रही है, समझाइश दी जा रही है कि वो घर से बाहर ना निकले और यदि निकल भी रहे हैं तो प्रिकॉशन ले कर निकले, मुंह में मास्क लगा के निकले तभी सही होगा। साथ ही एक से अधिक लोगों को घूमे जाने पाए जाने पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उनका चालान काटा जा रहा है। किस तरह की व्यवस्था की गई है इस लॉकडाउन को देखते हुए और रेड जोन आने के बाद किस तरह से आदेश निर्देशित किया गया है IG के द्वारा और किस तरह से आप लोग यहाँ पर पालन कराए लोगों को? बिना मास्क वालों के खिलाफ उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है जिसका 100 रुपया फाइन है। महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। ये मान लीजिए अगर कोई उल्लंघन करता है तो क्या डायरेक्ट FIR भी करना है? हाँ, यदि उल्लंघन करते पाया गया तो 188 के तहत, धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब तक कितने लोगों की यहाँ पे कार्रवाई कर दी गई? सुबह से अभी तक मेरे द्वारा 50 की कार्रवाई की गई है। बहरहाल देखना होगा कि लगातार पुलिस के समझाइश के बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं है, किस तरीके से वो समझेंगे और जो आने वाला जो समय विकराल रूप लेने वाला है उससे कब ये सबक सीखेंगे। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। रायगढ़ में कोरोना के एक दर्जन से ज्यादा मरीज सामने आने से हालात बदल गए हैं। अभी तक ग्रीन और ऑरेंज जोन में रहा रायगढ़ अब रेड जोन में है। पुलिस ने लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती भी शुरू कर दी है। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन है। इसका उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं कई वाहनों को भी जब्त किया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव में प्रवासी मजदूरों की संख्या ज्यादा है, उन पर काफी खास नजर रखी जा रही है। जिले में अभी कई सारे केसेस आ गए, लगभग दर्जन भर केसेस अब तक आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि ये सारे केसेस अभी तक क्वारंटाइन सेंटर में जो श्रमिक लौटे हैं दूसरे राज्यों से उनमें पाए गए, लेकिन फिर भी खतरा टला नहीं है। कई सारे मजदूर ऐसा भी होता है कि जो जानकारी में हमें नहीं आता और वो गांव में पहुंच रहे हैं, उसके बाद उन्हें जब जानकारी हमें पता चली तो क्वारंटाइन सेंटर में ला रहे हैं, इसलिए खतरा लगातार बना हुआ है। हम लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन जो कम्प्लीट लॉकडाउन का टाइम है शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक उसका पालन करें। सरकार ने दिन के समय में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाने की छूट दी है, उसमें लोगों को छूट है, लेकिन वहाँ भी अनावश्यक भीड़ न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। लॉकडाउन का असर राजधानी रायपुर में ट्रेवल एजेंसियों पर भी पड़ा है। मार्च महीने के अंत से शुरू हुआ लॉकडाउन अब भी जारी है। यहाँ ट्रेवल एजेंसियों के बंद होने से एजेंसियों में काम करने वाले कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है, उनका काम पूरी तरह चौपट हो गया है। ट्रेवल एजेंसी संचालकों का मानना है कि ऑफिस बंद है लेकिन ऑफिस का किराया और स्टाफ की सैलरी उन्हें देना पड़ रही है। इस लॉकडाउन और कोरोना पीरियड में सभी उद्योग धंधों को बड़ा नुकसान हुआ है। ट्रेवल एजेंसी को बड़ा नुकसान हुआ है, हॉलीडे पैकेजेस जो चलाती थी एजेंसियां अब बंदी की कगार पर आ गई है। इनकी समस्याओं की ओर अब तक किसी का ध्यान गया नहीं। हमारे साथ मनीष जी हैं, ट्रेवल एजेंसी चलाते। मनीष जी, क्या क्या दिक्कतें आपको देखनी पड़ी, कितना नुकसान हुआ है इसमें? सर, नुकसान देखा जाए तो काफ़ी हद तक, मतलब 100% का नुकसान है। पिछले साल की अपेक्षा जीरो बिजनेस है। ये साल हमारा जो ये जो मेन मई मंथ रहता है, मई जून, ये मेन पूरे साल का हमारा पीक सीजन रहता है, पीक टाइम रहता है, और इस टाइम पे काम जीरो है। इन फ्यूचर आपको कुछ लग रहा है कि कब तक सुधरेगा? सर, अनुमान तो जो 6 महीने का नहीं है,
लेकिन हम हिम्मत कर रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन 6 महीना तो कम से कम दिवाली के बाद से ही जो होगा स्टार्ट होना शायद शुरू होगा, वो भी सब कुछ ठीक हुआ तो। लेकिन तब तक भी सर्वाइव कर पाएगी इंडस्ट्री, आप लोग कैसे करेंगे? अब सर देखा जाए तो सर्वाइव करना तो मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी बड़ा टाइम बचा हुआ है, ये पूरा साल, अभी 7 महीने बचे हुए हैं। अगर 6 महीने का 1 लाख रुपए का भी खर्च मानो तो 7 लाख रुपए का तो ऑफिस एक्सपेंसेस है, बाकी अपने एक्सपेंसेस है, सारा घर से देना है। देखिए बड़ी मुश्किल है यहाँ पर ट्रेवल एजेंसियों के लिए भी, क्योंकि अब तक उनका जो भी खर्च था, ऑफिस का खर्च है, स्टाफ का खर्च, वो लगातार लग रहा है। 100% उनकी जो आमदनी बिल्कुल बंद हो गई है, कोई भी हाल फिलहाल बुकिंग भी उनको नजर नहीं आ रही, घर का पैसा लग रहा है, लग नहीं रहा उनको कि बहुत लंबे समय तक वो यहाँ पर टिक पाएंगे। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। कोरोना का कहर ऐसा है कि मृत आत्माओं को भी मोक्ष के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। पूरे देश में हजारों दिवंगत लोगों की अस्थियां लॉकडाउन के चलते विसर्जित नहीं हो पाई। बिलासपुर में तो मुक्ति धामों के अस्थि कक्षों में अस्थियां रखने की जगह नहीं है, जिसके चलते अब अस्थियों को पेड़ में लटकाकर रखना पड़ रहा है। लोगों की इस परेशानी को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रयागराज तक श्रद्धांजलि वाहन चलाने का फैसला किया है। इसके लिए प्रदेश संगठन ने अपने अध्यक्षों और पदाधिकारियों को पत्र जारी करके जरूरतमंद परिवारों तक सूचना पहुंचाने को कहा। इसके लिए कांग्रेस कमेटी ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जो लोग दिवंगत लोगों के अस्थि कलश प्रयागराज में विसर्जित करवाना चाहते हैं वो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में जो मृत्यु हुई थी वो लॉकडाउन के अवधि में प्रयागराज गंगा में विसर्जन करने, अस्थि विसर्जन करने नहीं जा पाए, ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने पहल की है कि उनका मोक्ष दिलाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी वाहन उपलब्ध कराएगी और जो अस्थि विसर्जन करने वाले जो परिवार है उनको लेकर वहाँ पर जाएंगे, साथ में पंडित की भी व्यवस्था रहेगी। और इस कार्य के लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस ने सेवा दल को अधिकृत किया है, सेवा दल के हमारे पदाधिकारी इस बस में साथ में उनके वाहन में जाएंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा हर समय चुनाव के दौरान सुनाई देता है, मगर कोरोना काल में भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस चलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने श्रद्धांजलि वाहन चलाने का ऐलान किया है। इस वाहन के जरिए कांग्रेस पार्टी उन परिवारों की मदद करेगी जो अपने परिजन की अस्थियों को विसर्जित नहीं कर सके। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मदद के नाम पर कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का निधन हुआ ये उनके अस्थि कलश है। प्रतिबंधों के चलते परिजन अस्थियों का विसर्जन नहीं कर सके। ऐसा नजारा एक नहीं बल्कि हर शहर के शमशान घाट में है, जहां सैकड़ों अस्थि कलश विसर्जन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे परिजनों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने श्रद्धांजलि वाहन चलाने का फैसला किया है। इस वाहन के साथ पंडित और सेवा दल के कार्यकर्ता होंगे और प्रयागराज में इन अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। वाहन दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर होते हुए प्रयागराज रवाना होगा। ऐसे अनेक लोगों ने आग्रह किया था, कईयों ने ई पास के लिए आग्रह किया, कईयों ने स्वयं सीधे मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिल के आग्रह किया। तो ऐसे समस्त लोगों के लिए कांग्रेस ने एक छोटा सा प्रयास किया है श्रद्धांजलि वाहन चलाने का। उक्त वाहन दुर्ग से चालू होगी, रायपुर बिलासपुर होते हुए प्रयागराज जाएगी। इसमें विधिवत 2-3 पंडित रहेंगे जिनको लोग संकल्प लेके अस्थि कलश अपने परिजनों का सौंप सकते हैं, साथ में सेवा दल के लोग भी रहेंगे और बाकायदा पूरी पूजा अर्चना के साथ इनकी अस्थि कलश को पूरे सम्मान के साथ प्रयागराज में विसर्जित किया जाएगा। मगर कांग्रेस की इस पहल को लेकर बीजेपी को आपत्ति है। बीजेपी का कहना है कि यदि मदद करनी है तो सरकार को करनी चाहिए, ना कि संगठन को। बजाय इस पहल के सरकार को परिवारों को अस्थि विसर्जन के लिए प्रयागराज पहुंचाने के लिए मदद करनी चाहिए। ज़्यादा बेहतर होगा कि उन परिवारों को जो आवेदन करते हैं कि उनको जाना है तो उनके लिए इंतजाम करें, उनके लिए परमिशन दे, वो अपने साधनों से जाकर व्यवस्थित तौर पर इन सब चीज़ों को कर आएंगे, न कि इस तरह की बातों को करना कि हम बस चलाएंगे ये करेंगे। और विशेष रूप से इस पर यदि कोई निर्णय करना है तो शासन प्रशासन को करना चाहिए। निश्चित रूप से कि राजनीति का विषय है और कांग्रेस लगातार इस तरह की चीज़ों को करती है जो व्यवहारिक तौर पर नहीं रहती है। इसमें यदि कहीं निर्णय लेना भी है तो शासन को निर्णय लेना चाहिए। दरअसल बीजेपी की आपत्ति इसीलिए भी है क्योंकि कांग्रेस श्रद्धांजलि वाहन के जरिए जिन अस्थियों का विसर्जन करेगी
वो धार्मिक मान्यताओं के विपरीत है। हिंदू धर्म में अस्थि विसर्जन परिवार के सदस्य ही करते हैं और अस्थि विसर्जन के बाद मुंडन की परंपरा है। किसी की मृत्यु होती है तो 10 दिनों के भीतर उसका अस्थि विसर्जन होना चाहिए और 13वें दिन ब्राह्मण भोज करवाया जाता है। ऐसे में बीजेपी को यह मसला सियासी ज्यादा नजर आ रहा है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। 30 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हो रहा है और इस मौके पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच डिजिटल वॉर की तैयारी है। सैनिटाइजर, फेस कवर, मास्क, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे और संपर्क भी करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है, इसको लेकर के जनता के बीच हम जाएंगे। मोदी सरकार की एक साल की उपलब्धियों को जनता को बताने के लिए ये बीजेपी की तैयारियां हैं। बीजेपी इस दौरान वर्चुअल रैलियां करेंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी और कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के बारे में लोगों को बताएंगे, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। बीजेपी का कहना है कि एक साल में मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं और इन एक वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय और ऐतिहासिक जो काम हुए हैं निश्चित रूप से वो इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। और ऐसे समय में एक वर्ष की जो हमारी उपलब्धियां हैं, उदाहरण के तौर पर हम बात करें 3 तलाक से लेके हम CA की बातचीत करें, ये आर्टिकल 370 समाप्त करने का विषय था, राम मंदिर के निर्णय हुए हैं, ऐसे बहुत सारे निर्णय जो 50 वर्षों से लंबित थे ऐसे निर्णय इस एक वर्ष के दौरान हुए हैं। लेकिन बीजेपी के इस डिजिटल जश्न की कांग्रेस ने हवा निकालने की पूरी तैयारियां की है। कांग्रेस एक साल पूरे होने की तारीख के 2 दिन पहले यानी 28 मई को ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार की खामियां गिनाने की तैयारी में है। 28 मई को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी और लॉकडाउन से प्रभावित हुए मजदूर, किसान, आम लोग फेसबुक लाइव करेंगे, ट्विटर लाइव करेंगे, सोशल मीडिया में लाइव होकर सब लोग केंद्र की मोदी सरकार से 10,000 रुपये सबके खातों में, जो आयकरदाता नहीं है उन सब के खातों में 10,000 रुपये दिए जाने की डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की मांग। कोरोना काल में काम करने का तरीका बदला है तो सियासत भी बदली है। अब सियासत सड़क पर नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रही है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के लिए डिजिटल वॉर के लिए इससे बड़ा मौका नहीं है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर।